ये किसका है भाई? चलो अभी हम जहाँ पे हैं इसको कोलाबा मार्केट बोलते हैं, मुझे अभी बताया है, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ आपके सामने ही। कोलाबा मार्केट में एक्स वाई जेड आपको कोई भी चीज़, जैसे अपने दिल्ली में चांदनी चौक है वैसे ही यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से कोलाबा मार्केट है। देखते हैं, दिल्ली वाली ही फील आ रही है मुझे तो, हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। हाँ ये वैसे दिल्ली में जैसे चांदनी चौक है वैसा ही है ना ये भी? सब कुछ मिलता है? हाँ तो वही सेम ही तो हुआ सेम ही तो हुआ यार। मैं उसे पूछ रहा हूँ जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है वैसा ही, तो बोला नहीं भाई। मैंने बोला तो यहाँ क्या मिलता है? बोला सब कुछ मिलता है, मतलब सेम चीज को अलग तरीके से बता रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर सामान लेडीज का मिलता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ है ये अपने चांदनी चौक जैसा ही दिल्ली के, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थोड़े गोरे गोरे और रिच आवरे मिलेंगे, और हमारे दिल्ली में कोई भी घुस जाता है, बस अंतर ये है। यहाँ पे आपको थोड़े अमीर अमीर लोग मिलेंगे, सो कॉल्ड अमीर लोग, अमीर लोग नहीं अमीर लोग मिलेंगे, अमीर लोग। चलते हैं आगे। यहाँ पे ज़्यादातर ये गले के नेकलेस और पेंडेंट और छोटे बच्चों के कपड़े ही बिक रहे हैं, ये हमें बताएंगे भैया। थोड़ा बताना यार ये मार्केट का कुछ नाम। हाँ नाम है कोलाबा कॉर्वे। यहाँ पे दिल्ली का चांदनी चौक आप जानते हो? हाँ वैसा ही सीन है ना, वैसे ही है, कॉर्वे एक नंबर मार्केट है। इमिटेशन ज्वेलरी, बैग, कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है एकदम। तो इन्होंने करेक्ट बात बताई मुझे, जैसे दिल्ली का अपने मार्केट है वैसा ही एक नंबर मार्केट है। ओके आई विल गो। मैं यहाँ रुकने वाला था, ये मेरा शॉप है, थोड़ा बता दो। ये बहुत सस्ता माल है, हाँ से स्टार्ट है, एक नंबर माल है। मैंने आपको पहले ही बताया था दिल्ली के उसकी तरह ही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे जगह है, वहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, और यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत गर्दी है। हाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, गर्मी लग रही है, लेकिन दिल्ली वाले में मतलब दिल्ली वाला क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली का यहाँ है तो यहाँ की बात करते हैं। दिल्ली भी अच्छा है, मुंबई भी अच्छा है। नहीं मैं ये कह रहा था ना दिल्ली का थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। मुंबई है, छोटा छोटा जगह है, कंजस्टेड सिटी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरदार शेख। सरदार शेख, तो सरदार शेख की दुकान पे अगर आप आओ तो शेख जरूर पियो। हाँ, शेख पिलाएगा वो क्या बोलते हो, कल मैंने पिया था मोहम्मद अली रोड पे। नहीं नहीं वो वाटरमेलन का होता है जो कल हमने पिया था, मोहब्बत शरबत। मोहब्बत शरबत बहुत खूब, बहुत ही टेस्टी था। अगर आप जरूर कभी भी आओ तो मोहब्बत शरबत जरूर। अली रोड पे जाना और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ हूँ, खाने पीने का आइटम इतना वैरायटी है। अरे कल मैंने शूट जो किया था आपको दिखाया था, क्या टेस्ट है भाई, मजे आ जाता है। और मेरे भाई कुछ लेने की प्रयास में है। दिल्ली वालों मुंबई आएंगे तो कोलाबा कॉर्वे जरूर आना, प्रमोट कर रहा हूँ दिल्ली को मैं। ओ यार ये देखो कितना खूबसूरत है, भगवान का बच्चा जिसको बोलते हैं, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। मेरा बैग भी दिखा दो। हाँ हाँ दिखा दिया ना बैग। अभी श्री साईं वेंकटेश, साईं वेंकटेश भाई से बात करते हैं, उससे पूछता हूँ कि इधर उसकी तरफ है आपकी तरफ कभी ऐसा कहीं है एरिया, ऐसे एरिया कोटे और कृष्णार है? कोटे और कृष्णार, दिलशुकनार दिलशुक नगर। अच्छा तो हैदराबाद में दिलशुक नगर है, सेम ऐसा ही एग्जैक्ट ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही। तो हैदराबाद में दिलसार दिलखुश नगर, दिलखुश नगर है वो भी एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है। अभी हम चलते हैं फैशन स्ट्रीट की तरफ और आपको फैशन स्ट्रीट दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, मैं वेंकटेश भाई और किरण भाई। साई हटा दो कुछ समय के लिए क्योंकि साई बार बार बोलने में याद नहीं हो रहा है। तो वेंकटेश भाई मैं और किरण भाई तीनों आए हैं खाना खाने के लिए। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है। बताता हूँ मैं चिकन खाता हूँ, ठीक है? तो चिकन बिरयानी मैंने ऑर्डर किया है हम तीनों ने, देखते हैं चिकन बिरयानी आता है खाने में। 160 का 160 का आ रहा है तो देखते हैं कितने का आता है।
आप लोगों को मेरे साथ ट्रैवल करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नया फीलिंग है। चिकन बिरयानी 3, तो 3 चिकन बिरयानी खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम फैशन स्ट्रीट की तरफ। अभी अब मैंने आपको जो दिखाया था वो था कोलाबा मार्केट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ ब्लॉगिंग भाई उधर से बोले वो देखो, मैंने बोला दिखाते हैं उनको भी, और अभी दिखाता हूँ आपको ये अपना होटल है। नॉर्मल लोग खाना वाना खा रहे हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे हम कोलाबा फैशन स्ट्रीट की तरफ। हाँ फैशन स्ट्रीट की तरफ। किसी का मोबाइल बंद हो गया, वेंकटेश भाई का मोबाइल बंद हो गया, तो मिलता हूँ खाकर आप लोगों से। कैसा लगा खाना? खाना वाना हो गया, अब यहाँ से निकलने का समय हो रहा है, बैग उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ओके मिलता हूँ आपसे बाहर। बहुत प्यारी लग रही थी, हो गया चलते हैं, बहुत प्यारी लग रही थी, अभी आगे चलते हैं। लोगों ने बच्चे को देख रहे थे आप, कितना क्यूट लग रहा था, अपनी ही दुनिया में मस्त था, वो लड़की थी, सॉरी वो लड़की थी। अभी ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो ऊपर चांद और नीचे ये फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है। लग नहीं रहा कि आप इंडिया में हो, ये फाउंटेन देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आप इंडिया में हो। और अभी हम चल रहे हैं इधर से उधर की तरफ, क्या बोलते हैं, CST की तरफ। अच्छा किया याद दिला दिया, CST की तरफ हम उधर नहीं जाएंगे, क्या बोलते हैं, फैशन स्ट्रीट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि फैशन स्ट्रीट जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको मैं CST का बाहर से विक्टोरिया मेमोरियल दिखाता हूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बाहर से दिखाता हूँ कैसा लगता है, फिर हम निकलेंगे अपने अपने रूम के लिए। आप खाओ। किसी को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, और जिसको मिलती है वो उसकी कदर नहीं करता, वो ही है बेचारे को दो वक्त की रोटी। इधर चलना है बेचारों को, कैसे रोड पे बैठकर खा रहे थे रात को। अब बताता हूँ, रात को बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना सेफ है मुंबई। तो सेफ्टी के मामले में मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 11 बजे रात को हो 2 बजे रात को आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आगे निकलते हैं हम CST के लिए। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे CST की तरफ जा रहे थे। अभी मैं कुछ बताना था आप लोगों को इन दोनों भाइयों के बारे में, कि मैं हूँ बनारस से, आप लोगों को पता ही है। ये है एक है छत्रपति, ये है कर्नाटक हैदराबाद तेलंगाना से, और ये है आंध्र प्रदेश से। तो तीनों अलग अलग जगह से, तीनों को एक दूसरे की लैंग्वेज एकदम करेक्ट नहीं आती, फिर भी जो एक बॉन्डिंग हो गई एकदम भाइयों जैसी, ब्रदर्स लाइक अ ब्रदर। इनको हिंदी एकदम नहीं आती, इनको समझ में नहीं आता हिंदी का। हाँ भी बहुत बोलो बोलो, ये मुंबई वाला था। ये बढ़िया लगा मुंबई का ये किया उन्होंने। अभी मतलब इनके बारे में बता रहा था कि बहुत अच्छा लगा। अभी ये कल चले जाएंगे अपने अपने यहाँ पे, ये स्पेशली आए थे यहाँ पे देखने के लिए, अपना मुंबई और क्रिकेट मैच देखने के लिए आए थे। ये लोग सपोर्ट करते हैं RCB को, जो बेचारी कभी जीतती नहीं। कप्पन नमदे मतलब कप कभी ना कभी तो आएगा। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। और अगर आपको इससे भी खूबसूरत दिखना है,
अगर आपको इससे भी खूबसूरत कुछ देखना है तो वो भी दिखाता हूँ, थोड़ी देर वेट करो। ये देखो भाई, अलग ही लेवल पे खूबसूरत लग रहा है यार, अगर ऊपर से देखेंगे तो मजा ही आने वाला है। बाप रे, लुक एट द व्यू, मतलब व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। लग नहीं रहा कि आप इंडिया के किसी ऐसे पार्ट में हो भाई, यूरोप यूरोप का कोई स्ट्रीट होता है, यूरोपियन स्ट्रीट और रशियन स्ट्रीट वैसे। ये नगर पालिका का सीन तो बहुत ही है यहाँ पे, मैंने आज तक 3-4 स्टेट घूम लिया मैंने, इतने नगर पालिका और ये सब चीज़ें देखी मैंने, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा था नगर पालिका। उन लोगों ने क्या खूबसूरत तरीके से वो किया हुआ है। आप चाय बेचते हो डेली? इसका कलर हमेशा चेंज होता। ओ यार, मैंने अभी भैया से पूछा कलर चेंज होता, और अभी तुरंत कलर चेंज हो गया था, ब्लू हो गया, पिंक हो गया था। कलर कितनी कितनी देर में चेंज होता है भैया? 10-15 मिनट में कलर चेंज होता रहता है ना। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, दिल्ली में ऐसा इंडिया गेट ही होता है सर, और इंडिया गेट पे भी उतना नहीं। ये लोग भी लग रहा है न्यूज़ चैनल। फिर अभी चलते हैं यहाँ से अब स्टेशन की तरफ, और ट्रेन पकड़ूंगा और फिर वहाँ से यहाँ से निकलूंगा अब मैं स्टेशन से आगे अपने डॉर्मेट्री की तरफ, और डॉर्मेट्री से फिर मैं निकल जाऊँगा। कल मैं जाऊँगा हाजी अली और सिद्धिविनायक मंदिर। आज आपको मैंने दिखा दिया एलिफेंटा केव्स, जो कि ठीक ठाक लगा मुझे, उतना खूबसूरत नहीं लगा एलिफेंटा केव्स। तो आप चाहो तो एलिफेंटा केव्स स्किप कर सकते हो मेरे ख्याल से। हाँ, सिर्फ एक बार घूमने के लिए एलिफेंटा केव्स बेस्ट है, अगर आप एक बार घूमना चाहते हो एलिफेंटा केव्स। बाकी आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो इन दोनों को बोल सकते हो। हेलो सर, कुछ बोलना चाहोगे आप दोनों? हमको हिंदी नहीं आते। आपको? इनको हिंदी नहीं आती, सॉरी। तो अभी मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो कमेंट करो और बताओ कि ये चीज़ें इम्प्रूव करो उनकी, तो और अच्छे से मैं इम्प्रूव करके आप लोगों को बताऊँगा। फैशन स्ट्रीट नहीं जा पाया मैं, उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अरे घर जाओ यार।